भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारे। हम लोग केबल कार से जाएंगे, चलो फिर केबल कार से चलते हैं। झंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण भी तुंड पर जैसे मृगराज है, तम अंश पर कन्हज में कंस पर धूमल इच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय शिवाजी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर जिसका नाम है ज्योति प्रशांत ब्लॉग। तो दोस्तों आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आज बहुत ही शुभ अवसर है, इसी अवसर पे हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह। वो कौन सी जगह है हम आपको रास्ते में बताएंगे, तब तक के लिए बस आप बने रहिए और एंजॉय करें इस ब्लॉग। तो प्यारे दोस्तों हम लोग आज चल रहे हैं देवास भोपाल से, जो कि पड़ता है 152 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 86 पे ये पड़ता है दोस्तों। और ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और बहुत शांतिपूर्ण जगह है। हम यहाँ पे आपको करवाएंगे माता के दर्शन, तो चलिए चलते हैं और करते हैं माता के दर्शन। तो प्यारे दोस्तों जैसे कि हम देवास पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो देवास शहर है ये इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और अगर आप उज्जैन में रहते हैं तो उज्जैन से देवास की दूरी है 36 किलोमीटर। और यहाँ पर माता जो हैं तुलजा भवानी और चामुंडा देवी के रूप में, दो बहनों के रूप में यहाँ पर विराजमान है पर्वत के ऊपर। और यहाँ पर ये जो जगह है ये 52वें शक्तिपीठ में से एक है, ये माता का धाम। और यहाँ पे कहते हैं कि माता सती की रक्त की बूंदें गिरी थी। तो ये जगह जो है बहुत ही पावन है, यहाँ पर आप हर तरीके से पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको इंदौर का सबसे पास का एयरपोर्ट मिलेगा, साथ में आप ट्रेन बस और टैक्सी की सुविधा भी यहाँ पे बराबर से उपलब्ध है। दोस्तों वेलकम बैक, हम लोग आ चुके हैं आज चामुंडा देवी के मंदिर में दर्शन करने, जो कि देवास में है। आप ये देख सकते हैं सामने माता का मंदिर है, वो उधर आपको दिख रहा है पहाड़ पे, वो माता का मंदिर है। ये रोप वे केबल कार लगी हुई है जो यहाँ से जाती है इधर से, और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप फ्री में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कार बेसिकली, बाइक भी खड़ी कर सकते हैं। और इधर से लोग एंट्री टिकट लेते हैं वहाँ से इस रोप वे पे जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा गार्डन है, पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे गाड़ी जो पार्क हमने करी है यहीं पर ही अपनी करी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवराय, जय शंभुराज, जय शिवराय, जय शंभुराज, जय शिवराय, जय शंभुराज, जय शिवराय, जय शंभुराज। हुंकार भरे बादल घर जघर, जे तलवार उठे बिजली कड़क करेंगे पग धर दे, जहां धरती दूजे दूजे पर काल मारा तबड़ जीते, एक एक करके सब गढ़ जीते, हर दुश्मन से लड़ रण जीते, इंद्रे माथे सूरज सा, छत्रपति वीर शिव चमके, तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तो पहाड़ पे जाने के लिए जीजा जी और शौर्य जा रहे हैं इसे केबल कार से। हम लोग तो अभी नॉर्मली यहाँ से चल के जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को दोनों तरफ का एरिया कवर करना है। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ पे पर पर्सन जो टिकट प्राइस है 126 रुपये है, और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उन लोगों के 101 रुपये हैं, और चाइल्ड का जो है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर से कम का फ्री है। तो हमारा शौर्य तो 5 से कम है, तो फ्री। तो ये लोग टिकट ले रहे हैं, हम लोग तो ऊपर चढ़ रहे हैं सीधे, देखते हैं पैदल पैदल चलेंगे, ये लोग टिकट काउंटर पर टिकट लेंगे। ये रहा इधर यहाँ सामने, और चलो यहाँ से अपन उधर से क्रॉस करके चलते हैं दूसरे साइड से। प्रो है
कैसा बनाता है ये वाला? सामने मिलन मंगाया था, ये तो मैं लेके आया था, दुबई से लिया था ये। मतलब अपन ये मोबाइल में एडिट करो मूवी तो इसमें मोबाइल में आप नहीं कर पाओगे इसमें। ये ऊपर से सीढ़ियों का रास्ता है यहाँ से सामने से, और बहुत दूर है तो हम लोग तो सीढ़ियों से जाएंगे नहीं, हम लोग केबल कार से जाएंगे। चलो फिर केबल कार से चलते हैं। टिकट ले लिया 252 रुपये का हम लोगों ने। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रोप वे में, पापा और जीजा जी और शौर्य पहले चले गए, हम लोग नहीं जा पाए। अब हम लोगों को यहाँ से जाना है, पैदल वाला रास्ता थोड़ा लंबा था इसलिए हम लोग अब रोप वे का यूज़ करेंगे और जाएंगे। जीने चढ़ने लायक अभी एनर्जी नहीं है, उतरते में ज़रूर आ जाएंगे हम लोग। टिकट पंचिंग कर लिया, अब हम यहाँ से आगे के सांप जैसे सांप की सीढ़ी बना के रखी। तीन लिफ्ट है ना, दो लिफ्ट है सॉरी, अब शायद दोनों पहुंच चुके होंगे, तीनों ऊपर। आप ऑनलाइन पूछना पड़ेगा, शायद पहुंच गए होंगे अभी तक। तो ऊपर हम लोग आ गए लिफ्ट से, ये रोप वे की मशीन है यहाँ से दिख रही है आपको, ये ऐसे विंड अप करके ऊपर लेके जाती है यहाँ से। दोस्तों पहाड़ पे जैसे ही हम चढ़ते हैं आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रसादी भंडारे का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। प्रति व्यक्ति 20 रुपये इसका शुल्क है जो आपको देना है, और अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, सब्जी और पूड़ी आपको मिलेगी जो आप खा सकते हैं, अनलिमिटेड खाना है आप खा सकते हैं। बस यही है कि आप माता का प्रसाद है तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, पूरा खाना खाएँ और जितना खा सकते हैं उतना ही लें। तो जल्दी से हम यहाँ पर खाना भी खा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। थाली हमने यहाँ ले ली है, अभी बस लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, तो जैसे ही जगह होगी हम लोग भी यहाँ पे बैठ जाएंगे। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हम लोग को जगह मिल गई है यहाँ पे खाना खाने के लिए, हम लोग बैठ गए। थाली हमने ले ली है 1, 2, 3, 4, और पापा इधर सामने बैठे हैं, ज्योति जी बैठी हुई हैं, शौर्य बैठा है, जीजा जी हमने, हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, ये देखिए सारा खा लिया है, पूरा फिनिश कर दिया, जीजा जी होता है। खाना छोड़ना नहीं, क्योंकि प्रसादी के तौर पर आपको मिल रहा है तो खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाना लें यहाँ पर। और शौर्य ने हमारे थोड़ा बहुत खा लिया है, मिर्ची लग रही थी क्योंकि थोड़ी मिर्ची थी इसमें, इसीलिए इतना ज़्यादा नहीं खाया। तो खाना खा रहे थे यहाँ में, हमें बहुत ही अच्छे दो सज्जन मिले हैं, ये रहे। तो बोलो माता रानी की जय।